अहसानुल्लाह है, इज बॉलिंग वेरी फास्ट एंड वेरी क्विक। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दोस्तों, पाकिस्तान को हमेशा फास्ट बॉलर्स की फैक्ट्री कहा जाता है। इस सरजमीन ने क्रिकेट की दुनिया को जबरदस्त किस्म के फास्ट बॉलर दिए हैं। अब इस लिस्ट में एक और दुनिया के तेज तरार गेंदबाज का इजाफा हो गया है, जिसका नाम अहसानुल्लाह है, जिसने PSL के अपने पहले ही 2 मैचेस में 7 खिलाड़ियों को आउट करके दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर ली है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अहसानुल्लाह कौन है, क्रिकेट कहां कहां खेली और इस मकाम तक कैसे पहुंचे। मगर उससे पहले आप लोग से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। दोस्तों, अहसानुल्लाह का पूरा नाम अहसानुल्लाह खान है, जो कि KP के स्वात के इलाके अरकोट में पैदा हुए। इस वक्त इनकी उम्र मात्र 20 साल है। अहसानुल्लाह बेसिकली एक पठान घराने से ताल्लुक रखते हैं। बचपन ही से क्रिकेट का जुनून था। एहसान एक मुतवसत घराने से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए फैसिलिटीज ना होने की वजह से वो बचपन में पत्थरों के जरिए बॉलिंग किया करते थे। क्रिकेट का आगाज बाकी तमाम खिलाड़ियों की तरह इलाके की टेप बॉल से किया था। अहसानुल्लाह के स्टार बनने में उनके वालिद और मामू का बड़ा हाथ है। अहसानुल्लाह के मुताबिक उनके मामू के कहने पर ही अहसानुल्लाह को पहली मरतबा अकेडमी में खेलने का चांस मिला था। अहसानुल्लाह खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से अंडर-19 भी खेल चुके हैं। अहसानुल्लाह के PSL की सफर की कहानी बड़ी अनोखी है। दोस्तों, हुआ यूं कि अहसानुल्लाह ने TV पर मुल्तान सुल्तान के ट्रायल्स का ऐलान सुना तो वालद साहब से इजाजत लेकर इस्लामाबाद में ट्रायल देने पहुंच गए और वहां अपनी पहली ही 3 गेंदे 144 और 145 की स्पीड से करवाकर सेलेक्टर्स को हैरान कर दिया था। इसी तरह अहसानुल्लाह मुल्तान सुल्तान की टीम में PSL 7 के लिए सेलेक्ट हुए थे, लेकिन 2 ही मैचेस खेलने के बाद वो इंजरी का शिकार हुए और इन्हें मजीद मौका नहीं दिया गया। इस साल फिर PSL 8 में वो मुल्तान सुल्तान के इमर्जिंग प्लेयर्स के तौर पर सेलेक्ट हुए और अपने पहले ही 2 मैचेस में 7 खिलाड़ियों को आउट करके दुनिया को हैरान कर दिया। अपने दूसरे मैच में अहसानुल्लाह ने 12 रन देकर 5 खिलाड़ियों को आउट किया था, जिनमें जैसन रॉय, सरफराज अहमद, उमर अकमल और इफ्तिखार अहमद जैसे बड़े खिलाड़ी शामिल थे। यही नहीं, अहसानुल्लाह का क्वेटा ग्लेडिएटर के खिलाफ ये स्पेल PSL की तारीख का दूसरा सबसे बेहतरीन स्पेल रहा और रफ्तार के लिहाज से ये PSL का सबसे तेज तरीन स्पेल माना जाता है, जिसका रफ्तार 144.37 किलोमीटर फी घंटा थी। अहसानुल्लाह बेसिकली एक पठान है, इसलिए वो एक सीधे साधे इंसान है। PSL के मैचेस के लिए आते हुए जब वो प्लेन में सवार हुए तो उन्हें शदीद डर लग रहा था, क्योंकि उन्होंने इससे पहले कभी प्लेन में सफर नहीं किया था। अहसानुल्लाह के बारे में मुल्तान सुल्तान के कोच मुश्ताक अहमद ने पहले ही कह दिया था कि सब टीमें तैयार हो जाएं, उनके पास एक ऐसा बॉलर है जिसके रफ्तार देखकर बल्लेबाज घबराएंगे, उनकी कांपें टांकेगी। और अहसानुल्लाह ने मात्र 2 मैचेस में ही ये साबित कर दिखाया। अहसानुल्लाह इज बॉलिंग वेरी फास्ट एंड वेरी क्विक। इसके ऊपर हमारे 2-3 लड़के हैं, अच्छे हैं, इस दफा आपको दिखाएंगे। सो हमारे अहसानुल्लाह क्रिकेट में शुएब अख्तर को अपना आइडियल मानते हैं। शुएब अख्तर को अहसानुल्लाह ने पहली मरतबा वर्ल्ड कप 2011 में देखा था और शुएब अख्तर की तरह तेज तरीन फास्ट बॉलर बनने का फैसला किया था। अब देखना यह है कि अहसानुल्लाह आगे चलकर कितना कामयाब हो पाते हैं। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।